सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो दोस्तों, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस में दोस्तों यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, एयर का, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं आपको एक इमेज के द्वारा दिखाना चाहता हूँ कि ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको ये रेड कलर से मार करके दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको नॉर्मल लंग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल लंग आपको दिख रहा होगा। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो दिख रही है क्या है, यहाँ पे चेस्ट वॉल है जो आपको दिख रही है, और साथ में जो इसके बीच में जो दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, इनका यहाँ पे प्लूरल स्पेस है। ठीक है, तो प्लूरल स्पेस के बाद में दोस्तों ये नीचे यहाँ पे आपको डायफ्राम दिख रहा होगा, ये डायफ्राम है, बीच में आपका मेडिस्टिनम हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका लेफ्ट साइड का हो गया और ये आपका राइट साइड का हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, राइट साइड में जो है वो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा सारी चीज़, लेकिन लेफ्ट साइड में जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लंग्स जो है वो यहाँ पे छोटे दिख रहे होंगे, ये आपके लंग्स दिख रहे हैं। तो इनके बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड एयर जो है एंटर्स कर गई है यहाँ पे, किसकी वजह से, चेस्ट वॉल के डिस्टर्बशन की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है वो एयर का एक्युमुलेशन हो गया है यहाँ पे प्लूरल स्पेस में। तो यहाँ पे विसरल प्लूरा की डिस्टर्बशन की वजह से यहाँ पे लंग में एयर एंटर्स कर चुकी है, जिसकी वजह से आपको ये लेफ्ट साइड का इस तरीके का दिख रहा है। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसके असेसमेंट की बात करेंगे तो असेसमेंट फाइंडिंग आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके बारे में असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसे करेंगे कि ये एक क्या है, जो एक न्यूमोथोरेक्स ही है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ब्रीथ साउंड होंगी ना, जो ब्रीथ साउंड्स क्या हो जाने वाली है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी, और साथ में यहाँ पे जो पेशेंट को वो साइनोसिस देखने को मिलेगा। उसके साथ में दोस्तों साइनोसिस के साथ में यहाँ पे जो डिस्पनिया, मतलब जिसको बोलते हैं आप यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो वो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पेशेंट को जो है वो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, तो मतलब बीपी जो है वो उसका कम हो जाएगा। साथ में जो चेस्ट पेन होगा वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, शार्प जो है वो उसका यहाँ पे चेस्ट पेन आपको यहाँ पे दिखेगा उस क्लाइंट के अंदर। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर ओपन चेस्ट वुंड है तो यहाँ पे आप साउंड सुन सकते हैं। बाकी का यहाँ पे टैकीपीनिया भी मिलेगा, यानी कि आपकी जो ब्रीथ रेट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। साथ में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया मतलब जो यहाँ पे पल्स रेट है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। साथ में दोस्तों एक और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकुटेनियस, यहाँ लिख सकते हैं कि सबकुटेनियस एम्फाइसीमा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे ब्रीथ साउंड मैंने आपको बताया था कि ये मार्कली क्या डिक्रीज हो जाएंगी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अब्सेंट भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर साउंड की बात करें तो एक यहाँ पे आपको सकिंग साउंड आएगा, अगर ओपन चेस्ट वुंड है तो सकिंग साउंड आएगा, इफ़ ओपन चेस्ट वुंड है तो यहाँ पे सकिंग साउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे क्या है असेसमेंट कर सकते हैं कि ये न्यूमोथोरेक्स है या फिर कुछ और है। अगर इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पे अगर इंटरवेंशंस की बात करेंगे तो इंटरवेंशंस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या है उस समय इंटरवेंशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इंटरवेंशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आप डायग्नोसिस के लिए आप यहाँ पे चेस्ट एक्सरे जो है वो यहाँ पे पेशेंट का करवा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स है कि नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों साथ में इंटरवेंशन के लिए आप यहाँ पे एडमिनिस्टर O2 अगर कि क्या है इफ़ प्रिस्क्राइब है, तो आप यहाँ पे क्या है पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएंगे इंटरवेंशन के लिए। साथ में दोस्तों आपको पेशेंट को किस में रखना है, पेशेंट को आपको रखना है फॉलर्स
फॉलर्स पोजीशन में आपको पेशेंट को क्या है यहाँ पे, फॉलर्स पोजीशन में पेशेंट को यहाँ पे रखना है क्लाइंट को। और अगर यहाँ पे चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है किसके लिए, प्रिपेयर फॉर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। जब तक यहाँ पे दोस्तों लंग एक्सपैंड होंगे तब तक यहाँ पे जो है वो अपने प्लेस पे रहेगी चेस्ट ट्यूब। अगर आप पे प्लेसमेंट करते हैं तो उसका प्रिपेयर आपको यहाँ पे करना है। तो ये डायग्नोसिस दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों जो नीमोथोरिक्स की यहाँ पे आज की वीडियो है वो आपको यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या है लाइक करिएगा, साथ में और लोगों को भी क्या है दोस्तों यहाँ पे शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो दोस्तों यहाँ पे आपको हमारे जीतो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगली बार।